तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वापस अपनी मूवी वेबसाइट के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सर्च वगैरह कैसे हुआ था, और हमने ये भी देख लिया कि हमने एक इनक्रिप्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने थ्रिलर और ड्रामा के बेस पे अगर कहीं भी कैटेगरी पे कोई भी ऐसी आईडी मिलती है अगर, तो वो कैसे क्या कहते हैं आईडी ले, तो इधर कैसे आईडी के बेस में शो करा दे। बॉलीवुड में भी हमने कर लिया था। हाँ, बॉलीवुड में भी हो गया था हमारा। एसीबी आईडी जब हमने इनक्रिप्ट करी थी तब कर लिया था। तो अब जो हमारा आखिरी का काम बचा वो बस जो इसको फ्रंट एंड लुक देने के लिए वो बस है हमारा मूवी का, ठीक है, कि हम यहाँ पर मूवी कैसे लूप में चला सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा था कि हम कैटेगरी वाइज मूवी चलाएंगे, लेकिन नहीं, कैटेगरी वाइज हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर किसी को कैटेगरी वाइज देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि कैटेगरी वाइज ना चला के मैं यहाँ पर डायरेक्ट सारी लूप में चला दूँ, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत जगह देखा कि सारी मूवी ज़्यादातर लूप में ही चलती हैं। कैटेगरी तो बंदे बाद में चूज़ कर देंगे कौन सी कैटेगरी पे देखना है, वो कैटेगरी वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे लूप में चलाना है हम यहाँ पर। तो सबसे पहले आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और आ जाते हैं अपने सप्लाई में और इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक है, हमें इंडेक्स वाले पेज पे चलाना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट एंड होगा, जो सॉरी हमारा लैंडिंग पेज होगा, हमें उस वाले पेज पे डिज़ाइन देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हेडर में आते हैं, और हेडर से जो साइड बार था इसको कंट्रोल एक्स कर देंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल एस करेंगे और इंडेक्स वाली पेज पे इधर पेस्ट कर देंगे नीचे। अब ये मैंने क्यों करा, क्योंकि दोस्तों हेडर वाली फाइल जो है ये खुद एक इंक्लूड फाइल है। ठीक है, साइडर वाली भी एक इंक्लूड फाइल है, और जो एफ टी वाली है फुटर वाली फाइल वो भी एक इंक्लूड फाइल है, जिस फाइल को हमें इंक्लूड कराना है। तो इसलिए इन तीन फाइल को हमें सेपरेट रखना है। और जैसे एक हमारी डाटाबेस की फाइल थी वो भी इंक्लूड वाली है, लेकिन वो मैंने हेडर में एक बार कर दी ताकि बार बार हमें ना करनी पड़े। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि साइड बार को इधर डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं सारी फाइल को अलग अलग कर रहा हूँ ताकि जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, जो स्पीड है वेबसाइट की वो थोड़ी ज़्यादा रहे, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, इससे यूज़र इंटरफेस थोड़ा अच्छा लगता है। अब हमें क्या करना है, इधर मूवी लूप में चलानी है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले को दिखाता हूँ, जैसे अगर हम डिव डाल के इधर क्लास देते हैं कंटेंट वाली। ठीक है, अब कंटेंट वाली क्लास कैसे वर्क करेगी, क्योंकि हमने जो हेडर वाली फाइल इंक्लूड करी है उसमें लिंक में हमारी स्टाइल वाली फाइल दी, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस हमने ये वाली फाइल दी थी, और इसमें हमने ये जो डिव कंटेंट वाली फाइल है इसमें हमने कुछ सी एस एस दी थी, जिससे क्या होगा जो हमारे इसके अंदर का कंटेंट होगा वो इधर शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं एच वन डाल के इसमें कुछ भी जैसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब रिफ्रेश करूँगा तो ये पहले तो पहली चीज़ ये इतना आएगा। ठीक है, अब मैं और लिखता हूँ थोड़ा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ना इसके बाहर चला जाएगा, देख रहे हो, ये ओवरलैप कर जाएगा पूरे पेज को, और इससे क्या होगा हमारी साइट अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको एच वन को चलो यहीं छोड़ देते हैं अभी, स्टाइल डॉट सी एस एस में आना, और मार्जिन लेफ्ट की जगह हमें पहले तो करना है मार्जिन राइट। ठीक है, राइट, अब यहाँ पर और क्या करना है हमें, जो डिस्प्ले है उसे करना है ब्लॉक। ठीक है, और एक होता है ओवरफ्लो रैप। ठीक है, इसको करना है इन इनिशियल, देखते हैं ये इनिशियल या इनहेरिटेड है, ओके, इन इनहेरिटेड करके है, इन हेरिट इनहेरिट करके इसको करना है, और रिफ्रेश करेंगे तो ओके, ये नहीं हुआ अभी, तो देख लेते हैं अभी और क्या चीज़ चाहिए हमें। ओवरफ्लो हो गया, तो वैसे इनहेरिटेड से नहीं हुआ, एक बार हम एक ब्रेक वर्ड करके भी है इससे देख लेते हैं, ब्रेक वर्ड करके अगर हमारे पास आ जाता है तो ठीक है। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे जहाँ से ये जो टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है तो इसको ओवरफ्लो ना करके ये नीचे ले आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम मतलब सबलाइन में और इंडेक्स में अगर हम और कुछ भी लिखते हैं इसे, ठीक है, जैसे ये लिख देते हैं खाली एस एस, यार अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं जितना भी लिखेंगे हम इसके अब नीचे आ गए, ये इसको ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको करते हैं एच वन को यहाँ से हटाते हैं। अब सिंपल हमें क्या लिखना है, क्वेरी लिखनी है, जो कि हम अक्सर लूप वगैरह चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पी एच पी हो गया डॉलर क्यू यू क्वेरी इज इक्वल्स टू, क्वेरी देनी है फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
मूवी, ठीक है, और देन उसके बाद डॉलर रन इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई क्वेरी, एंड इसमें क्या करना है हमें, कनेक्शन पास, देन दूसरा करना है हमें क्वेरी, ठीक है, क्वेरी पास, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डॉलर नहीं माई एस क्यू एल इफ कंडीशन लगानी, सॉरी, इफ डॉलर रन, अगर ये रन हो जाती है हमारी क्वेरी तो क्या करे, वाइल लूप चला दे, वाइल लूप में क्या करे, डॉलर रो इज इक्वल टू माई एस क्यू एल फेच एसोसिएटिव एरे डॉलर रन, ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारी जो मूवी है वो लूप में चल जाएंगी, अंडरस्कोर नेम, ठीक है, देन इधर आगे रिफ्रेश करेंगे तो हमारी मूवी कुछ ऐसी दिखेंगी, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको एकदम डिज़ाइन देना, ठीक है, बढ़िया सा एक डिज़ाइन देना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML के लिए इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से PHP स्टार्ट, अब हमें क्या करना है, इसके बीच में हमें स्टाइलिंग देनी है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, अब हमें क्या करना है, इधर हमें अपनी मूवी शो करानी है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप में हमारा जो कार्ड वाला ऑप्शन है तो उसमें आगे हम ये वाला कार्ड उठा लेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट में सर्च कर देना कार्ड, और इधर से ये वाला कार्ड उठा लेना, मैंने जस्ट अभी देखा तो ये मेरे को सही लगा कार्ड, नीचे और भी कार्ड हैं काफ़ी सारे, आप जैसे सिर्फ अगर टेक्स्ट और टाइटल वगैरह दिखाना चाहते हो वो कर सकते हो, इमेज और डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हो वो कर सकते हो, काफ़ी चीज़ आप इधर कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक इधर मैं आपको बताता हूँ, इमेज वाला ये रहा, तो मैं इधर इमेज दिखाऊंगा, इधर वो दिखा, और इधर क्या कहते हैं मूवी का नाम दिखाऊंगा, इधर डाउनलोड बटन, और इधर मैं इसकी जगह पूरे की डिस्क्रिप्शन की जगह मैं दो चीज़ डालूंगा, डायरेक्टर नाम और डेट, ठीक है, तो वो चीज़ हम इसमें करने वाले हैं, अब इधर आते हैं और इधर सिंपल यहाँ सबसे पहले एक बाहर डिव बनाएंगे, किस नाम से, डिव, और जिसकी क्लास देंगे हम रो, ठीक है, रो हम क्लास क्यों दे रहे हैं, ताकि वो रो वाइज ऐसे ऐसे के शो, ठीक है, जैसे ये है ना, ये रो में है और ये कॉलम में है, तो ऐसे ही रो ऐसे होते हैं कॉलम ही होते हैं, तो हम रो में चाहिए तो हमें ये करना, ठीक है, तो ऐसे रो कर दे रहा हूँ, और इस डिव को क्या करेंगे हम, सॉरी मैंने गलती से इसको कॉपी कर लिया, तो इसके बाहर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, वापस मेरे को यहाँ आना होगा, और यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पर फिर एक डिव बनाएंगे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, col1, ठीक है, या col MD2, ठीक है, और इसके बीच में हम पेस्ट कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारी काफ़ी हद तक ठीक आ रही है, छोटी आ रही है, अब एक बार LG करते हैं, तो MD ज़्यादा सही है, ठीक है, MD4, रिफ्रेश करेंगे, नहीं कोल MD डालते हैं, तो भी नहीं यार, सिर्फ कोल डालेंगे, MD2 ही ठीक है, कोल MD2 में थोड़ा छोटा और गैप कम आएगा, ठीक है, तो हो ये इतना हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है, इधर सबसे पहले हमें इमेज लगाते हैं, इमेज के लिए हमें क्या करना है, थंब वाले फोल्डर में जाना है, तो थंब मतलब थंबनेल वाले फोल्डर में, देन PHP का कोड स्टार्ट करके यहाँ पर सिंपल द डॉलर रो ब्रैकेट में IMG देनी है, ठीक है, इसको यहाँ कर देंगे क्लोज, तो क्या होगा, यहाँ पर इमेज शो हो जाएगी, लेकिन अब आप देखना कि एवेंजर की तो इमेज ज़्यादा बड़ी है, इन दोनों की इक्वल है, ठीक है, अब इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे तो पहले तो हम इधर हम कोल लगाते हैं, ठीक है, MD नहीं, हम कोल लगाएंगे तो ये ऐसे ऐसे शो होगी, हम इसकी विड्थ जो है वो छोटी कर लेंगे, अगर विड्थ हम करते हैं, ओके, इसकी विड्थ 10 rem करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, या 18 ही ठीक है, ठीक है, तो तीन तीन इमेज करके हम शो करा लेते हैं, काफ़ी है, तो इधर देखते हैं क्या करना था, हमें इसकी हाइट भी देनी, ठीक है, तो हाइट इसकी मैनुअली लिख देंगे 100 pixel एंड विड्थ भी 100 pixel, ठीक है, अब इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये इसकी विड्थ और हाइट इक्वल आ जाएगी, लेकिन क्या है कि इधर जो इसकी हाइट विड्थ है वो इधर देख आप देख सकते हो स्ट्रेच हो रही है इमेज, है ना, तो इसकी हाइट जो है हम 300 pixel कर देते हैं,
तो अब थोड़ी बहुत स्ट्रेच होगी तो चलेगा, इतनी स्ट्रेच है ठीक है, चलता है इतना। तो इधर से हम क्या करते हैं, इस इमेज को ऐसे ही रहने देते हैं, इमेज ठीक है, लेकिन हम इसको छोटा करके देखते हैं। MD4 को रिफ्रेश करेंगे, नहीं हुआ, कॉल टू रिफ्रेश करेंगे, ओके, अब ये थोड़ा हो गया, कॉल सिक्स, कॉल फोर। एक काम करते हैं हम, कॉल स्पेन BS4, ठीक है, इसे देख लेते हैं, ये थोड़ा ग्रिड सिस्टम हमें ज़्यादा अच्छा समझा देगा, बूटस्ट्रैप। ओके, ये कॉल स्पेन वन, तो इसके लिए सिर्फ कॉल लेना है, ठीक है। अभी तीन इमेजेस ले ऑटोमेटिकली, देखो अब इसका क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे इमेज बढ़ती जाएंगी ये अपने आप मतलब अपने आप ठीक होता जाएगा, ठीक है। अभी तीन इमेजेस ले, बड़े देख रहे, ज़्यादा इमेज होंगी तो ये कम 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 ऐसे होता हो जाएगा, और ये फिर नीचे अपने आप जब आगे लाइन ख़त्म होगी तो अपने आप नीचे हो जाएगा। अब जैसे मैं इधर आता हूँ और इधर एक न्यू मूवी ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ऐड अ न्यू मूवी। अब मूवी का नाम देते हैं डेडपूल, मेटा डिस्क्रिप्शन डेडपूल, मेटा टैग डेडपूल, लिंक डेड डॉट लिंक, डेड डॉट लिंक, डेट हम दे देते हैं कोई मैन्युअली, मूवी लैंग्वेज हिंदी, मूवी डायरेक्टर आई डोंट नो, ऑन द कैटेगरी ID 1, जेंडर ID 1, चूज़ वेल, कोई इमेज फाइल हम दे देते हैं इसमें, जैसे कि सपोज ये वाली इमेज फाइल, ठीक है। अब मूवी डिस्क्रिप्शन व्हाट यू कैन, कुछ भी मैंने दे दिया, तो मूवी तो ऐड हो गई है इधर, और आप देख सकते हैं डेडपूल की ये रही। अब इधर आएंगे और हम अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसी में ये आ गई और ये अपने आप छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ओके, इतना ठीक है वैसे, ये इतना ठीक लगेगा, इतना ही होता ज़्यादातर सब जगह। हाँ, जब वो फ़ोन में देखेंगे तो और इमेज छोटी हो जाएंगी, ठीक है, ताकि कंफर्टेबल रहे यूज़र। इसकी हाइट विथ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कार टाइटल लेना है, तो टाइटल में हम क्या करेंगे, PHP हैको डॉलर रो ब्रैकेट में MV_name, ठीक है, ये दे दिया। तो इधर ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, सब चीज़ें ना हमें सेंटर में चाहिए, ठीक है, राइट में नहीं, सेंटर में। तो उसके लिए हम जो कार्ड वाली है उसमें हमने स्टाइल दिया, उसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब थोड़ा ज़्यादा ऑसम दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इधर सबसे पहले PHP लिखना है, एक्को डॉलर रो ब्रैकेट में डेट, ठीक है, डेट देनी है, तो इधर डेट आ जाएगी कि कौन सी डेट को ये अपलोड हुई है, जो भी आप एक सीक्वेंस चलाना चाहते हो, कि इसमें आप एक दो सीक्वेंस चला सकते हो, जैसे कि आप किस डेट में आपकी मूवी अपलोड हुई है, या किस डेट में मूवी लॉन्च हुई थी, या और कुछ जो अपनी मर्जी से आप डेट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट आ गई है। अब इधर जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, जैसे हम कॉन्केटिनेट करके इधर BR देंगे, लेकिन इसको हटा के, ठीक है, एंड देन एक्को और सॉरी डॉल कॉन्केटिनेट देंगे फिर से, देन डॉलर रो एंड ब्रैकेट में क्या देना है हमें, डायरेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं कि अब ये कैसा लग रहा है, एक सेकेंड, इधर कुछ दिक्कत आई, PHP, ओके, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं, ओके, ये अब ठीक आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, डेट को ऊपर लाना है और इसको आगे पीछे करना है, तो इसकी जगह हम बस डायरेक्टर कर देते हैं और डायरेक्टर की जगह हम डेट कर देते हैं, ठीक है, डेट लास्ट में चाहिए हमें, डेट हो गया, ठीक है। तो अब ये ठीक है, अब ये डायरेक्टर का नाम केविन टेस्ट और ये, ठीक है, जो डाउनलोड करने आएगा तो वो समझ जाए कि हाँ ये डायरेक्टर का नाम है, वो समझ लीजिए। पहले हम यहाँ लिखते हैं डाउनलोड, ठीक है, और प्राइमरी जगह हमें क्या लगाना है, बैकग्राउंड
सॉरी स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और स्टाइल में आना है, और जो हमारा पर्पल वाला कलर है वही हम डाउनलोड में लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कलर हमें डाउनलोड में लगा देना है, कंट्रोल भी, ठीक है। अब देखते हैं हम रिफ़्रेश करके, तो अब थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन इसमें भी हमें वाइट कलर चाहिए होगा। तो उसके लिए हम कलर #FFF, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, मेरे को मस्त लग रहा है एकदम। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी इधर हमें इसकी जो आईडी है वो इनक्रिप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट इनमें जब डाउनलोड करेंगे तो हमें PHP आईडी से भेजना पड़ेगा, लेकिन वो हमें इनक्रिप्ट करनी है, तो वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी मैं लंबी रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। जैसे ही टाइम मिलता तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चालू करता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद बीच में इसका PHP का कोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन डॉलर रो, सॉरी, एक देखेंगे आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर रो ब्रैकेट में आईडी, ठीक है। अब इधर देखते हैं एको डॉलर आईडी, ठीक है। अब एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो इधर देख सकते हैं आप, इधर मूवीज़ की आईडी लिखी आ रही है, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये मूवी की आईडी लिखी आ रही है। मतलब अब हम इसको, इस वाली आईडी को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं, कि हमने पहले एक वीडियो में करा था कि हम आईडी इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग वगैरह का, जिससे कि हमारे ये हो रहा था। जैसे अभी कैटेगरी वाले पेज पे हमें यही डिज़ाइन कॉपी करना पड़ेगा, कैटेगरी वाले पेज पे भी, ठीक है। अभी तो इंडेक्स वाला पेज है, उस पर भी हमें सेम डिज़ाइन करके ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। वो भी हम इसी वीडियो में, हो सकता है मैं कर दूँ। फिलहाल हमने जो, जैसे इधर आप देख सकते हैं, जो हमने आईडी इनक्रिप्ट कर दी थी, हमें यही चीज़ इधर भी करनी है, ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं इधर, और इधर हमें कुछ क्वेरीज वगैरह, कुछ कैलकुलेशन लगानी है, तो वो हम लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर, जैसे कि CL से बना लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन से बना लेते हैं, कैलकुलेशन। देन ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, ठीक है, और इसमें देना डॉलर आईडी, ठीक है। जो हमारी आईडी है उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू, नहीं, मल्टीप्लाई कैसे करना है, कोई भी रैंडम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, जो हमने पहले भी दिया था ये नंबर में भी। फिर दोबारा से जो उसका जो आईडी और 1 से 9 तक का मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसको हमें क्या करना है, 5, 4, 3, 2, 1 से, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, कोई भी एक रैंडम नंबर, जैसे कि लास्ट टाइम हमने लिया था 9, 5, 6, 7, 8, 3, ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम लिया था, तो हम इसको भी फिर हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ठीक है, ये बोर्ड मास की तरह काम करेगा। तो ये हमारी पहली तो हो गई आईडी कैलकुलेट होके ये नंबर्स में ही इनक्रिप्ट हुई है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डॉलर CL, देन रिफ्रेश करेंगे तो आप इधर आईडी देख सकते हैं, कुछ नंबर्स में इनक्रिप्ट हो गई आईडी। लेकिन हमें थोड़े और सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको Base64 जो एनकोड, जो PHP का डिफ़ॉल्ट, मतलब PHP ही हमें एक सिंटैक्स देता है जो भी इनक्रिप्ट वगैरह करने के लिए, तो वो देंगे। और हमें इसमें साथ साथ क्या करना है, एक दूसरे पेज का भी हमें URL दे देना, ताकि हम इधर डायरेक्ट सिर्फ एक क्या कहते हैं वेरिएबल वगैरह से इधर लिंक दे सकें। तो इसके लिए हम डॉलर URL लेंगे, उसके लिए फिर हमें एक पेज का नाम चाहिए होगा। पेज का नाम हमारा क्या है, इसको पहले डबल कोलन में करके पेज का नाम रखते हैं download.php, ठीक है, download.php रखेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू, और एक सेकेंड, ओके, यहाँ से क्लोज करना है, एंड देन इसके बाद कॉन्केटिनेट करना है क्या PHP के लिए, तो URL डिकोड एनकोड, ओके, ये रहा एनकोड। फिर स्ट्रिंग जो देनी है हमें, वो देनी है क्या, Base64 एनकोड, ठीक है। देन उसके अंदर डाटा क्या देना है हमें, CAL, ठीक है, इसको कर देंगे क्लोज। अब सिंपल हमें क्या करना है, इधर जो है URL ले देना है, ठीक है, तो PHP echo डॉलर URL, ठीक है। अब इधर आके हम रिफ्रेश करेंगे और इसमें देखेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि डाउनलोड में जो आईडी जा रही है वो इधर भी इनक्रिप्ट होके जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देखना।
तो आप देख सकते हैं कि आईडी जो है इनक्रिप्ट हो गया रही है, सब में अलग अलग आईडी, ठीक है, ये रहा, सब में अलग अलग आईडी होके जा रही है, इनक्रिप्ट हो रही है, तो ये कैलकुलेशन वगैरह से हो रही है। अब हमें क्या करना है, डिकोड भी करना है इसे, तो कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो डाउनलोड डॉट पी एच पी करेंगे, ठीक है। अब इधर हम सबसे पहले जो हमारा सिंपल नाम है इंक्लूड डी बी, सॉरी, और हाँ इस वाले में हम क्या करेंगे, हेडर फाइल, सॉरी साइड बार हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंक्लूड हेडर डॉट पी एच पी, देन एफ टी डॉट, सॉरी इंक्लूड एफ टी डॉट पी एच पी, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। अब हम किसी एक पे डाउनलोड वाले पे चलते हैं, तो इधर इस बार हमारा साइड बार नहीं आएगा, तो हम इसमें डायरेक्ट, इसमें थोड़ा हम अलग चीज़ कुछ करने की ट्राई करते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मूवी का नाम हम एक एच वन में डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें सारा डाटा गेट करना होगा इस आईडी के बेस पे जो हमारे पास आईडी आई है, ठीक है। तो आईडी के बेस पे डाटा गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोबारा से पीएचपी का कोड स्टार्ट करते हैं, फिर डॉलर, पहले कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ अगर इस सेट, अगर हमारे पास कोई भी आईडी आई है, डॉलर अंडरस्कोर गेट ब्रैकेट में आईडी, अगर आईडी नाम से कोई चीज़ आई है तो ठीक है, एल्स क्या करें, सीधा लोक, हम इसको रिडायरेक्ट करा देते हैं, किस पे, लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है। या आप एक 404 नाम से एक पेज बना सकते हो, वैसे वो चीज़ ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है कि वो चीज़ बनाना ज़्यादा बेस्ट रहेगी, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी इंडेक्स वाले पे कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर बंदे को ये आईडी के बिना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस आईडी के बिना डाउनलोड डॉट पी एच पी भी जाता है, तो ओके, इधर कुछ एरर आया, देख लेते हैं, हेडर ओनली सेंट आउटपुट स्टार्टेड, ओके, लाइन 14 इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है, सीन है, कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन, हेडर ओनली सेंट बाय आउटपुट फुटर डॉट पी एच पी वन, देखते हैं एफ टी डॉट पी एच पी, ठीक है। तो इधर दिक्कत क्या आ रही है यार, हमने तो सिंपल रीराइट करा है, हेडर ओनली सेंट बाय, एक सेकेंड दोबारा जाके देखते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अगर हम पी एच पी आई डी बनना चाहते हैं तो यहाँ ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है। हमें अगर हेडर की जगह हम क्या करते हैं यार, ए पी टी स्क्रिप्ट इस अलर्ट, सॉरी अलर्ट नहीं, डॉट डॉट एच आर ई एफ, ओके। अब हम एक बार, ओके, तो वो पी एच पी के थ्रू कोई रीजन से नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर अब कोई डाउनलोड पे डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा तो ये उसको वापस इधर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, लेकिन अगर इससे जाने की कोशिश करेगा तो इसको यहाँ रिडायरेक्ट नहीं करेगा। अब हमारा क्या काम बस है, इस आईडी को डिक्रिप्ट करना, तो अगर ये आईडी आती है तो इसको एक आईडी नाम से वेरिएबल बनाएं और इसमें डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड ब्रैकेट में आईडी, ठीक है, इसको रख ले, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर इसको डिक्रिप्ट करना होगा, ठीक है। तो अब इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए वही हमें, जैसे हमने इधर इधर, हाँ इधर जो हमने इसको जैसे ये इनक्रिप्ट करा था, वैसे इसी से हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, डॉलर डी ई सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, और डिक्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, डॉलर अंडरस्कोर गेट, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड ब्रैकेट डाल के डॉलर की,
ठीक है, की देंगे, क्या देनी है, की हमें इज इक्वल टू बेस 64, बेस 64 डिकोड, ठीक है, देन यू आर एल डिकोड देंगे, यू आर एल डिकोड, एंड देन इसके अंदर हम देंगे डॉलर, सॉरी इसके अंदर डॉलर आईडी, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, डॉलर डी ई डिस्क्रिप्शन हो गया, काउ हमने इधर कह दिया था कैलकुलेशन, तो यू एन अनकैल लिखते हैं, यानी अनकैलकुलेशन, डी कैलकुलेशन, डी के जो भी आप लिखना चाहो। तो इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इसमें हम डॉलर डी ई सी देंगे जो हमारी डिक्रिप्शन हुई है, देन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किससे, जो हमने इधर नंबर दिया था, ठीक है, इस वाले से जिससे हमें उस जिसको हमने उससे डिवाइड करा था, तो वो हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। देन इसको डिवाइड करेंगे किससे, जो हमने मल्टीप्लाई करा था, इसको हमने मल्टीप्लाई करा था, तो इसको हम देते हैं डिवीज़न। अब इनको हमें क्या करना है, ब्रैकेट में देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से डिवाइड करना है किससे, जिससे हमने पहले मल्टीप्लाई करा था इससे। तो इधर आते हैं डाउनलोड में, फिर इसको करते हैं, और इसको डिवाइड करने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब ये हो गया, ये हमारी आईडी भी डिक्रिप्ट हो गई। अब एक बार हम देख लेते हैं, एक्को डॉलर यू एन सी एल, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे साथ तो आई, लेकिन डॉलर की ये अनडिफाइंड आ रही है, ठीक है। ओके, ये अनडिफाइंड क्यों आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमने फॉर ईच लूप नहीं लगाया इसमें, ठीक है। तो फॉर ईच लूप लगाएंगे, ठीक है, वेरिएबल में डॉलर अंडरस्कोर गेट देंगे, एज अ की जो होगी हमारी वो होगी वैल्यू क्या, डॉलर आईडी, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर करना है, कंट्रोल एस करेंगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ओके, इधर और ज़्यादा एरर आ गया अब तो। ओके, ये $2 पहले, तो हम इसको हटाते हैं, अब रिफ्रेश करेंगे तो ओके, अब ये ठीक हो गया। तो हमने फॉर ईच लगाना भूल गए थे हम, ठीक है। देन इस ये अब आईडी डिक्रिप्ट हो गई है, ठीक है। तो हम इसके बेस पे अब हम क्या कर सकते हैं, अपना पूरा जो भी हम क्या कहते हैं अपनी मूवीज़ वगैरह का डाटा शो कराना है, तो हम इसके बेस पे करा सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो इसी के अंदर हम डॉलर क्यू यू ई आर वाई लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्वेरी क्या लिखनी है हमें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर अनकैल, ठीक है, अनकैलकुलेशन में जो भी आईडी है वो हमारी कर दे, फिर डॉलर रन, फिर से वही चीज़ जो हम अभी तक बहुत बार कर चुके हैं, माई एस क्यू एल आई क्वेरी, ठीक है, डॉलर कॉन कनेक्शन बाद डॉलर रन, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद रन नहीं सॉरी, इधर क्वेरी आना था क्यू यू ई आर वाई, फिर इधर इफ़ कंडीशन लगानी है डॉलर रन, अगर रन हो जाता है तो वाइल लूप चला दे, वाइल लूप, देन डॉलर रो इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई एच एस सी डी वेरे, देन डॉलर रन, ठीक है। अब इसको हम एक बार चेक कर देंगे हमारी वही मूवी आ रही है या नहीं, तो डॉलर अंडरस्कोर रो ब्रैकेट में एम वी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, हमने ये दे दिया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो एवेंजर, ठीक है। अब मैं आपको एक बार प्रूफ देता हूँ, जैसे कि अगर हम एक सेकेंड टेस्टिंग वाली पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इधर ही टेस्टिंग लिखा आ रहा है, और वैसे अगर हम डेडपूल वाली जो हमने एक लेटेस्ट इंस्टॉल मतलब करी है तो उसमें भी ऐड करी है तो उसमें भी हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन हमारी सारी आ रही है, तो हम एवेंजर वाली को वापस खोल लेते हैं और इस पर हम वर्क करना चालू करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, बेसिकली मूवी कैसी होती है, जो हमारे ये वाला था व्यू डिटेल करते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे ही मूवी शो होती हैं इधर, ठीक है। लेकिन हम एकदम डिसेंट रखने वाले हैं इधर, क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं पहले, तो इसको यहाँ से क्लोज और इसको यहाँ से क्लोज, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या लिखना है, एक H1 देना है पहले, तो एक डिव देते हैं और क्लास देते हैं कंटेनर, ठीक है। देन एक और डिव दी जिसकी
क्लास दी रो, ठीक है, या रो नहीं, रो की हमें और कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब इसमें हम एक एच वन देते हैं, एच वन में क्या देना है हमें, डाउनलोड, देन पी एच पी देना है एक्को डॉलर रो ब्रैकेट में एम वी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डाउनलोड जो एवेंजर मूवी है यही सब जगह आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे पहले, इसको एक बार डिव में डालेंगे एक, और इसमें क्लास टेक्स्ट सेंटर, और इसको एच वन को भी कर देते हैं कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पर एवेंजर मूवी आएगी। अब इसको हम चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड कैसे करेंगे, बी दे देना है हमें, और इस पूरे को कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, एक मिनट, ओके, यहाँ से ये। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो एवेंजर है वही दिखेगी, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं तो अब जो हमारी एवेंजर मूवी है वो बोल्ड में दिखेगी और डाउनलोड जो है हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर हम एक मूवी की इमेज लगा देते हैं, ठीक है। तो इस वाली डिप के बाहर आते हैं और इधर एक डिप बनाते हैं क्लास आई एम जी, ठीक है। आई एम जी से डिप बनाई, फिर इमेज दी आई एम जी, सोड़ दिया टी एच यू एम बी थम स्लैश पी एच पी, फिर वही एक्को डॉलर रो ब्रैकेट में आई एम जी, ठीक है। अब इसको थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं हम, तो वो कैसे देंगे, हाइट देंगे हम, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ इज इक्वल्स टू ऑटो ऑटो नहीं 100 पिक्सल, एंड स्टाइल देंगे हैं इज इक्वल टू मैक्स विड्थ 100%। अब ये मैंने इसलिए दी ताकि इमेज हमारी रिस्पॉन्सिव रहे। रिफ्रेश करेंगे लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही वैसी हो गई, तो विड्थ भी कर देते हैं हम 300 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। आइटम कर देते हैं 400 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसी आएगी। तो अब थोड़ी ज़्यादा बेस्ट लग रही है। अब एक कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं हम, तो अब देखते हैं कि इमेज हमारी जो है छोटी हो रही है या नहीं। मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे तो ये थोड़ी सही लगेगी हमें, ओके, ये थोड़ी सही लग रही है। अब ये मीन कि जब हम मोबाइल पे देंगे तो ये छोटी हो जाएगी ऑटोमेटिकली इमेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर एक और डिव बनाते हैं हम कंटेंट के लिए, ठीक है, क्लास कंटेनर दे देंगे इसके बाद। अब इसमें क्या देते हैं हम, एच वन, फिर पी एच पी एक्को डॉलर रो और ब्रैकेट में एम वी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। सबसे पहले मूवी का नाम आएगा, एच टू में देते हैं, ऐसा करते हैं एच टू, ठीक है, मूवी का नाम आ गया। देन इसी में हम क्या करते हैं, पी टैग में देते हैं, ओके। पी टैग में हम क्या देते हैं, पी एच पी एक्को डॉलर रो, और डिस्क्रिप्शन के लिए हमने क्या लिखा था एक बार देखते हैं, मूवी वाला, तो एम वी डी ई एस, एम वी अंडरस्कोर डी ई एस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, अभी इसको देखते हैं कहाँ आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है, बट ये हमें नीचे नहीं इधर चाहिए, या ऐसा करते हैं हम इसको भी सेंटर में लाके नीचे से ही कर लेते हैं। तो इससे ये रहेगा, हम यहाँ साइड में इमेज ऐड अगर आपको लगाना चाहो तो आप वो लगा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जब हमने क्लास यहाँ दी थी टेक्स्ट सेंटर कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारी सारी इमेज वगैरह यहीं से सेंटर में आ जाएगी। अब इससे क्या होगा, हमारा जो है
टाइम भी बचेगा, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली भी रखना है। तो यहीं पर एक क्या करते हैं हम, एमवी नेम इमेज के नीचे हम एक एंकर टैग देते हैं, सॉरी एंकर टैग, अब हैशटैग डाउनलोड, ठीक है, और फिर डाउनलोड। अब इसमें क्लास देते हैं इसकी btn, फिर बैकग्राउंड कलर स्टाइल, बैकग्राउंड कलर क्या था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब आप सोचोगे कि मैंने ये तो दे दिया, एक सेकेंड यहाँ पर एक बार br देते हैं हम पहले br, अब और इसमें कलर भी हमें वाइट देना था, कलर हैशटैग FFF, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे। तो ये हमने इधर दिया, लेकिन इसमें मैंने डाउनलोड क्यों लगाया है ना, आप ये सोच रहे हो कि मैंने हैशटैग डाउनलोड क्यों लिखा है। तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्शन, अब दोस्तों इधर तो मैंने 4 वर्ड का लिखा है, ठीक है, लेकिन जब ये डाउनलोड पे क्लिक होगा तो हमारे पेज पे एक आईडी पे जाएगा ये डाउनलोड पे, ठीक है, जो कि अक्सर टेबल कंटेंट, अगर आपने देखा हो किसी वेबसाइट वगैरह में टेबल कंटेंट जो होता है तो वो ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। देन हमारा मूवी डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मूवी डिस्क्रिप्शन के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, इधर आते हैं, कहाँ गया, ये रहा मूवी डिस्क्रिप्शन। एमवी टैग तो नहीं देने हमें, लिंक इमेज हो गया, डेट लैंग्वेज, तो इधर आते हैं इसी के नीचे एक टिप बनाते हैं जिसकी क्लास रखते हैं जम्बोट्रोन, ठीक है, और इसमें पी टैग में देते हैं क्या, डेट या लैंग्वेज मूवी LNGUAGE, ठीक है। देन इसके बाद प्री टैग, आप चाहो तो अपना कुछ भी डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कर दो, फिलहाल मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये यूज़ कर लेना, वरना कोई बात नहीं। देन PHP एक्को डॉलर रो और ब्रैकेट में लैंग, ठीक है, मतलब लैंग्वेज। अब हम इसको देखते हैं ये हमारा कैसा शो कर रहा है, तो नीचे आते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा शो कर रहा है मूवी लैंग्वेज, ठीक है। तो और इधर से आप इधर अगर आपको पता चल रहा हो तो इधर जो है ये एक बॉक्सा बना रहा है मूवी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मूवी लैंग्वेज को हम करते हैं यहाँ, इसको पी टैग को कंट्रोल एक्स करते हैं और इधर मूवी नेम के नीचे कर देते हैं पेस्ट, लेकिन जो मूवी डिस्क्रिप्शन है कंट्रोल एक्स, इसको करते हैं हम यहाँ। तो अब थोड़ा शायद ज़्यादा अच्छा लगे, मूवी लैंग्वेज यहाँ ऊपर आ गई हिंदी इंग्लिश तमिल, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन वो इस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है, पूरे बॉक्स में हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब क्या बचता है हमारा डायरेक्टर का नाम, तो वो हम इधर डाल देते हैं, वो भी क्या कहते हैं कंटेनर जो हमने लिया था ऊपर, तो डिव डिव नहीं सॉरी पी टैग, पी टैग में क्या देना है हमें, DIRECT डायरेक्टेड बाय, बी टैग देना है मतलब बोल्ड के लिए, देन प्री टैग देना है डिफॉल्ट के लिए, एंड देन PHP एको डॉलर रो ब्रैकेट में डायरेक्टर, ठीक है, हो गया हमारा इतना। तो अब रिफ्रेश करते हैं तो डायरेक्टर बाय हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन ये नीचे आ रहा है तो हमें नीचे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्री टैग को एक बार हटा के देखते हैं। तो ओके, अब ये हमारा थोड़ा ठीक लग रहा है ना, लेकिन हम इसे ये करते हैं आई मतलब इटैलिक में कर देते हैं, तो इधर से स्लैश आई, ठीक है, तो अब ये थोड़ा ऐसा हो गया। सो ओके, अब ये आ गई हमारी थोड़ी इटैलिक में, इधर केविन माय जो भी है इसका नाम, वो थोड़ा इटैलिक में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, जो हमारा बचा वो बचा हमारा डेट का, ठीक है, तो डेट हम क्या करते हैं इधर देखते हैं कहाँ ठीक रहेगी मूवी लैंग्वेज, पहले तो मूवी लैंग्वेज को हमें एक में करना है, ठीक है, तो इस वाले प्री टैग को हम बाहर डालते हैं, देखते हैं रिफ्रेश करके, तो अभी तो नहीं हुई, काम करते हैं प्री टैग को हटा के इसको भी हम इटैलिक कर देते हैं, ठीक है, हो
और यहाँ से इसको आई और बोल्ड भी कर देते हैं इसे। अब तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब ये थोड़ा ज़्यादा सेम सेम सा लग रहा है, तो सही लग रहा है। ठीक है, अब बात आती है डेट की। तो यहाँ पर आप दोस्तों अपनी मर्जी से, ऐसे मैं आपको दिखाऊँ, बी टैग दिया हमने, वैसे तो इधर आ नहीं रहा, बी टैग एंड देन क्लोज। अब इसमें आप क्या दे सकते हैं, अपलोड डेट, ठीक है, अपलोड डेट, एंड इधर आप दे सकते हैं मूवी रिलीज डेट, ठीक है, ये सब आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, अपलोड या रिलीज़, क्या आपको डेट रखनी है। मैं आप क्या कहते हैं रिलीज़ डेट रखता हूँ इधर, ई एल ई ए एस ई रिलीज़ डेट, ठीक है, देन ये वापस से, एंड बोल्ड, देन इसको क्लोज करा, देन आई, इसको भी क्लोज करा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पी एच पी एको डॉलर रो ब्रैकेट में डेट, ठीक है, इसको करा यहाँ से क्लोज। तो अब रिफ्रेश करेंगे तो ये रिलीज डेट आ गई, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें इसकी मेन डिटेल्स आ गई हैं हमारी। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमने डाउनलोड बटन क्यों लगाया है यहाँ पर, जबकि हमने यहाँ लिंक देना नहीं, हमने हैशटैग डाउनलोड क्यों लिखा है ना। तो हम क्या करते हैं, इधर आते हैं ये कंटेनर के अंदर, लास्ट डिव जो है इसके नीचे हमारा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा, ये अभी तो छोटा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा होगा ये। तो अब यहाँ करते हैं डिव पे जाते हैं, पहले तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी इधर लगानी पड़ेगी हमें इधर, तो ऑन क्लिक करेंगे, इज इक्वल्स टू, देन माई फन डाल लेता हूँ, माई फन, ठीक है, माई फंक्शन मतलब। अब यहाँ पर एक डिव बनाएंगे सबसे पहले, डिव, ठीक है, स्लैश। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी पहले तो आईडी देंगे हम, क्या हैशटैग, सॉरी हैशटैग नहीं, सिर्फ डाउनलोड, ठीक है, आईडी दी, इधर आए, रिफ्रेश करें। अब मैं आपको बताता हूँ इधर है क्या सीन, पहले इधर हमें कुछ कंटेंट भी डालना पड़ेगा, ए एच आर ई एफ इक्वल्स टू डाउनलोड वन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इधर सीन क्या है। अब जैसे मैं इधर आता हूँ, ठीक है, अब यूज़र आया, सपोज यूज़र आया, उसको ये इंटरफेस मिला, उनने ऐसे करा, यहाँ उनने देखा डाउनलोड बटन है, चलो यहाँ क्लिक कर दो, तो वो डाउनलोड यहाँ क्लिक होके यहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी आप देखो, जैसे यहाँ से अगर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये झटके से आ रहा है, लेकिन हमें झटका नहीं चाहिए, हमें एकदम स्क्रॉल, मतलब एकदम स्मूथ चाहिए इसका स्क्रॉल बिहेवियर। तो हम क्या करेंगे यहीं पर, क्या करते हैं, एच टी वाई एल ई स्टाइल देंगे सबसे पहले, ठीक है, देन स्टाइल को यहाँ क्लोज, फिर एच टी एम एल को करेंगे, एच टी एम एल टैग लगाना है, मतलब इस सी एस एस में हमें, ठीक है, सी एस एस में हमें एच टी एम एल को टारगेट करना है, तो इसमें स्क्रोल बी ई एच ए वी आई ओ आर, ठीक है, स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ, ठीक है। अब यहाँ आके हम इसको अटैक के रिफ्रेश करेंगे, ओके ये तो नहीं आई, आते हैं, तो अब जैसे यूज़र यहाँ आएगा, अब इसको हम डाउनलोड पे करेंगे, तो आप देख सकते हैं आराम से स्मूथली स्क्रोल हो गया, जबकि पहले एकदम झटके से यहाँ आ रही थी, अब स्क्रोल हो गया आ रही है। आप जब खुद करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अगर आपको यहाँ पता ना चला तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। देन हमारा एक बटन हो गया, देन इसी को हम दूसरा बटन बनाते हैं, ठीक है, हैशटैग लगाएंगे अभी अभी के लिए हैशटैग, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अब जैसे सपोज यूज़र आया है, ठीक है, यूज़र को पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, फिर मूवी डाउनलोड करनी है, अब वो आएगा उसे तो डायरेक्ट दोनों डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टाइल देंगे इज इक्वल्स टू डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले नन दे दी, तो अब क्या होगा, हमारी ये जो डिव है ये छुप जाएंगी, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिव छुपानी नहीं है, ठीक है ना, हमें दिखानी भी है कब, जब ये बटन क्लिक हो, तो इसलिए हमने क्या करा है, एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम सबसे नीचे इधर, एंड इधर स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे फन, तो फंक्शन आ जाएगा, तो फंक्शन नेम क्या है हमारा, माई फन, ठीक है, माई फंक्शन फंक्शन नेम है, और आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं हम,
शो एंड हाइड, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं अगर आपको करना हो, वरना आर्ग्यूमेंट कुछ ना भी दो तो भी चलेगा। अब इधर क्या करना है हमें, सबसे पहले तो आईडी को गेट करना है जो हमें, जिस पे हमें कुछ भी अपना जो भी वर्क है वो परफॉर्म करना है। तो हमें किस पे परफॉर्म करना है, इस वाले बटन की आईडी पे, ठीक है, एंकर टैग में। ये जो जब ये बटन क्लिक होगा तो हमें कौन सी आईडी पे परफॉर्म करना है, इस वाली पे। अभी आईडी का है हमारी इस वाले डाउनलोड में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आईडी लेनी होगी। तो क्या करेंगे, स्क्रिप्ट करेंगे ये रहा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब इधर आईडी देंगे हम डाउनलोड, सॉरी डाउनलोड में भी इसमें आएगा, ठीक है। देन स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक, ठीक है, मतलब जो डिस्प्ले है वो दोबारा से शो हो जाए, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो है नहीं दिख रहा वो बटन, ठीक है। अब यूज़र को लगेगा कि सिंगल यही डाउनलोड बटन है, जैसे वो क्लिक करेगा तो वो इधर आएगा और इधर दोबारा से बटन शो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप वो सोचेगा ये और ये 3 दिन बटन इसका क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बटन को जो है, ये जो हमारा डाउनलोड बटन है इसे हाइड कर देंगे। कहाँ गया, ओके ये रहा बटन, ठीक है। तो इसके आगे पीछे हम क्या करेंगे, एक डिव लगा देंगे, डिव, ठीक है, एंड देन इसके अंदर भी एक डिव, एक कंटेनर बनाएंगे, मतलब कंटेनर वैसा कंटेनर है, डिव एक सिर्फ इसको एक बॉक्स में समझो कि एक ये बॉक्स है, और इसकी आईडी देंगे हम बी 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 यू टी देते हैं, BTN क्योंकि उसी क्लास वगैरह है। तो देन इसके बाद क्या होगा, जैसे ही फंक्शन रन होगा तो दोबारा से डी ओ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी क्या देनी है हमें, बी यू टी मतलब बटन, फिर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल शो। अब ये क्या करे, हमारे जो बटन है इस वाले को नन कर दे, मतलब नन कर दे। देन रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, अभी ये बटन नहीं आ रहा। अब जैसे ही हमारे ये आईडी इस बटन पे कुछ फंक्शन रन होगा, वाला बटन हमारा चला जाएगा और ये दोनों बटन आ जाएंगे, ठीक है। हो गया इतना, तो फिलहाल मेरे को ये चीज़ थोड़ी एक नई आपको अगर लगी, शायद मैंने पहले बताई है नहीं, मेरे को याद नहीं, ये चीज़ मैं काफ़ी जगह शेयर कर चुका हूँ। तो फिर अब बताती है इधर बटन की, ठीक है, ये जो हमारे डाउनलोड बटन है। तो अब डाउनलोड बटन के लिए क्या है, आपको सिंपल से यहाँ वाले लिंक चेप देना है, जो हमने यहाँ पर ये लिंक दिए हैं, ठीक है। अभी पहने ने कर गया, तो वो कैसे देना है, PHP एको डॉलर रो ब्रैकेट में Link 1, ठीक है। तो अब देखते हैं, इधर आते हैं और रिफ्रेश करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड आ जाएगा। अब इस पर देखेंगे तो यहाँ NA लिखा रहा है, मतलब ठीक है, अभी डाउनलोड 1 नहीं, इधर हमारा आएगा डाउनलोड 2, और इसको सेम यहीं पर PHP एको डॉलर रो ब्रैकेट में Link 2, ठीक है। देन ये भी हो गया हमारा, ठीक है, इसको यहाँ से कर देते हैं। अब क्या है, हमें इस बटन की क्लासेस देनी है। तो बटन की क्लासेस इस बार थोड़ी अलग रखनी है हमें, इस बार क्या रखना है कि दोनों की जो बॉर्डर है, ठीक है, इसको हम मैनुअली स्टाइल करेंगे। मैनुअली से मतलब कि हम अपने मतलब खुद की स्टाइलिंग करेंगे। तो इन दोनों के लिए क्या करते हैं, हम आईडी के बेस पे करेंगे, ठीक है। तो इधर आते हैं और इधर सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी इसमें CSS वर्क करेगी नहीं। तो डाउनलोड एक काम करते हैं, इसको बटन इसकी पर्सनल आईडी दे देते हैं, ठीक है, इन दोनों बटन्स की। तो आईडी इज इक्वल्स टू BTN1, देन इसकी आईडी इज इक्वल्स टू BTN2। देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ आना है और इधर हैशटैग BTN1 लिखते हैं, और इसमें देख बैकग्राउंड कलर देते हैं सिंपल है, #0000। तो ये मैंने देखने के लिए करा है कि मेरे यहाँ जो बटन है ये गेट कर पा रहा है स्टाइल डॉट सी एस हमारी या नहीं, ठीक है। तो ये हमारी स्टाइल जो है वो गेट नहीं कर पा रही है इधर आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक करेंगे कंट्रोल एस, और इसी में हम जो हमने ऊपर स्टाइलिंग दी थी इसी में हम कर देंगे। तो डॉट BTN1, ठीक है, और
इसको थोड़ा हम मस्सा बटन बनाएंगे, तो इसलिए अभी हम ये वाली जो स्क्रिप्ट है, जो कि ये वाली स्क्रिप्ट, इसको कमेंट, ये कमेंट क्यों नहीं हो रही, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एन, ठीक है। तो अभी हम जो कोई भी स्क्रिप्ट इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हमें बटन अपने डायरेक्टली ऐसे ही दिखेंगे। एक सेकेंड, दिखने चाहिए थे। ओके, ये इसलिए नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक, रिफ्रेश करेंगे। तो अभी हमारे दो बटन आ गए, जब स्टाइल हो जाएगा तब हम वापस अपनी जावास्क्रिप्ट लगा लेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर आएंगे और इधर हम स्टाइल देंगे सबसे पहले पहले वाले बटन को, जिसकी पैडिंग देंगे हम। तो पैडिंग देंगे 10 पिक्सल चारों तरफ से, और दो तरफ ऊपर और नीचे से, और 20 पिक्सल आजू बाजू से, ठीक है। और पहले एक बार थोड़ी और स्टाइलिंग दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर #, ओके बैकग्राउंड कलर हमें नहीं देना, तो नन कर देते हैं, या ट्रांसपेरेंट TRAN नहीं हो रहा, नन करते हैं, ठीक है। एंड बॉर्डर दे देते हैं हम 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका क्या कलर था, ये रहा #72 वाला जो भी है, तो कहाँ डाउनलोड वाले में, और इसमें कलर देना है, ठीक है। देन रिफ्रेश करेंगे इसे, तो ये बटन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या, इधर ये जो होवर वगैरह है हमें ये भी लगाना है, तो इधर आएंगे और इधर टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। एंड कलर CCC, नहीं सॉरी 000, मतलब ब्लैक, ठीक है, कलर ब्लैक, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसका यही चीज़ हम पहले कॉपी करते हैं, इसको Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। अब जो दूसरे वाले का जो टेक्स्ट का कलर है वो तो ये रख दो, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर है वो 000 कर दो, #00। रिफ्रेश करेंगे तो ओके, बटन 1 नहीं बटन 2, रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये बटन, इसका जो बाहर का कलर है, ठीक है, वो है ब्लैक, सॉरी इसका जो बॉर्डर कलर है वो है पर्पल, और इसका बॉर्डर कलर है ब्लैक। अब हमें इसे थोड़ा कस्टमाइज करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको होवर देना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो #BTN1 होवर, ठीक है। और तो बैकग्राउंड कलर अब हमें क्या कर देना, जो इस पहले वाले का फॉन्ट का कलर है, ठीक है। तो फॉन्ट का कलर है #000। तो अब रिफ्रेश करते हैं हम, रिफ्रेश करा और यहाँ पर हम करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, हमारा बॉर्डर कलर और टेक्स्ट कलर थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा है, मतलब बेकार सा बना रहे इसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर देंगे, और कलर दे देंगे #FF, नहीं सॉरी कलर देंगे 726297, 726297, जो कि हमारा पर्पल वाला कलर, ठीक है। और बॉर्डर देंगे हम नन, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे इसे तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ब्लैक कलर ऐसा पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसकी जगह ये वाला कलर यूज़ कर सकते हैं जो हमने हेडर में करा था, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला कलर भी यूज़ कर सकते हो, फिलहाल आप ब्लैक कर सकते हो जो आपके मन में है वो कर सकते हो, या कोई भी डार्क कलर, जैसे मैं कोई और कलर लेके देखता हूँ। HTML कलर पिकर, ठीक है, कोई डार्क सा कलर अगर देखा जाए तो ये वाला सही लगेगा, ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। तो ये नहीं यार, ये सही लग रहा है, ठीक है। Ctrl+C, यार नहीं, क्या कर रही है यार, कौन सा कलर ये,
अब ये फाइनल रखते हैं, जो भी है देखा जाएगा कैसा लग रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमें कलर देना है ये, ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड कलर देना है ये, ठीक है। और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आके, तो देखते हैं अभी ऐसा लग रहा है और फिल होते ही ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन कलर फिर इसका थोड़ा बेकार लग रहा है, इसलिए मैं ब्लैक ना करके कोई और देखते हैं कलर, ये वाला कलर देखते हैं एक बार, कंट्रोल वी, और इधर होवर में भी कंट्रोल वी, ठीक है। देन इधर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब तो ये जो अंदर का कलर है नहीं दिख रहा, लेकिन हमें अंदर का कलर ऐसा चाहिए जो ये वर्क करे, इसलिए हम थोड़ा और ऐसा कलर लेते हैं अलग सा, या एक काम करते हैं हम इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब वो उल्टा कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हैशटैग क्या दे देते हैं, जो इसका ये कलर है, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है, और जो इसका जो मेन कलर है वो दे देते हैं ये हैशटैग FFF, ठीक है। इधर आते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब होवर हो तो क्या करें, ये वाला जो कलर है ये चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब इसके अंदर का कलर चला जाए, सिर्फ टेक्स्ट और वो ही बचे। तो इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो हमें जो बैकग्राउंड कलर है उसको तो कर देना है नन, ठीक है, और जो इसका फॉन्ट का कलर है उसको ठीक है, बॉर्डर का कलर हमें वही चाहिए जो है, ठीक है। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर नन कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर नन, ठीक है यार, ओके, बैकग्राउंड कलर हैशटैग FFF कर देते हैं एक बार। अब रिफ्रेश करके देखेंगे तो ओके, अब ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे को करनी थी, थोड़ा यूनिक लाना था कलर में। और इसमें क्या करेंगे हम, बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल, ठीक है, 1 सॉरी 10 पिक्सल, इससे क्या होगा, होवर होते ही थोड़ा अंदर को हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो और भी चीज़ें कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब आगे जो दूसरा है उसको डाउनलोड 2 को भी इसी तरीके से हम कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी BTN2, और बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं हम, ओके, कंट्रोल एक्स, हैशटैग FFF और हैशटैग, ठीक है। अब आते हैं इधर, रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन इसका बॉर्डर जो है, एक सेकेंड, नहीं तो हमें, हाँ ये खाली हो रहा है और ये भर रहा है, ठीक है ना। तो ये ठीक लग रहा है हमें, और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर इसमें से भी हम हटा देते हैं, ठीक है, कहाँ गया वो बॉर्डर, ये रहा। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बटन कुछ हमारे ऐसे दिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बटन हमारे थोड़े औसम दिख रहे हैं, मस्त लग रहे हैं मेरे को। अब बाकी आपके ऊपर है कि आपको और कैसे चाहिए, तो अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ ही जाएगा, लेकिन अब हमें ये स्क्रिप्ट भी वापस चाहिए नहीं है, कंट्रोल एक्स करेंगे वापस से, और डाउनलोड वाले पे नीचे आके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इसकी डिस्प्ले कर देंगे नन, ठीक है। तो अब हमारा जो मूवी का जो पार्ट है वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड लिंक डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें टाइम मतलब एक टाइम जो लिमिट होती है कि इतनी देर में हमारा जो बटन है वो विजिबल हो, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर हम कहीं से भी, जैसे सपोज़ चलो वो चीज़ हम अभी कर लेते हैं, इतनी टाइम नहीं लगेगा उसमें। अब हमने मूवी सर्च करी एवेंजर, तो ये हमारी एवेंजर आ रही है, तो एवेंजर
नहीं वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ पर भी हमें स्टाइलिंग देनी पड़ेगी है ना, तो ये चीज़ हमें कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, एक छोटी सी मतलब ज़्यादा नहीं, आधे एक घंटे की वीडियो होगी नेक्स्ट भी, तो उसमें हमारा हो जाएगा। अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है और इतना हमारा पीसी नहीं है जो कर सके, ठीक है, तो वो चीज़ भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और जैसे थ्रिलर में शो करने में यहाँ पर होनी चाहिए, ड्रामा में यहाँ होनी चाहिए, डांस में कोई नहीं है तो यहाँ सही सा लेके आ जाए है ना। और होम पे क्लिक करेंगे तो इस सर्च आ रहा है, लेकिन थ्रिलर पे करेंगे तो यहाँ जैसे नहीं आ रहा कैटेगरी वाले, तो कैटेगरी वाले पे आप चाहो तो साइड बार इंक्लूड कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते, मन मर्जी है। तो फिलहाल अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी काफ़ी सारी और वीडियो मूवी वेबसाइट के ऊपर ही चलने वाली है, मैं फिलहाल किसी को आपको कहीं थोड़ा करेक्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक यूट्यूबर है जिसके बारे में देखा, लेकिन वो चीज़ मैं कभी और करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी मैं किसी यूट्यूबर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर ठीक है चल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक कर दो वीडियो को।